फिर मैं इतने आ सुविधा सेंटर के आया तो उत बच्ची मिली मैं गुरबख्श ये आपकी मदर वास्ते पेनशन लगवा आई सी तो मेरी मदर की पेनशन लगे नाल कोई ना कोई काम जरा मिल जाए मैं यदि मेरे को आई एप्लीकेशन दिखाई बड़ी वधिया बच्ची की राइटिंग सी इन्हें एप्लीकेशन लिखी सी काम लगन आए थे अचानक मंत्री जी मिले तो उन्होंने सानू क्या कि प्रॉब्लम आ सानू बहुत तंगी सी कि मम्मी लेबर वर्क करते हैं तो बहुत परेशानी सी कि उन्होंने को काम भी नहीं सी हैगा तो मंत्री जी ने मैं उपर बुलाया तो मदद दी तो उन्होंने कहा कि तेरी मम्मा नू असी काम कर भी देवांगे तो जो भी साढ़े को हो सकिया पेंशन सारा कुछ असी करांगे तो तेरी पढ़ाई का भी असी सारा खर्चा चुकांगे 76% मार्क्स दे 10th दे विच आए ने सो मैं मिल के डी साहब साडे जिला रुजगार अफसर साडे डीओ साहब सारे इत्थे सीगे सो मैं सबनों ही बेनती की आ कि आप बच्ची की जिहड़ी मदद आ करनी आ इन्हें मैं पूछा कि की करना है ये कहिंदी मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो लॉ करना चाहनी हाँ प्लस टू तो बाद सो असी रल मिल के सारे यदि जी मदद करांगे घर भी इन्हां कोल नहीं आ घर किराए के घर पर खुद रह रहे हो किराए के घर पर ने कली कली बच्ची है सो अज मैं कुछ एक आशीर्वाद नूं अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट के दिता और आने वाले समय के बच्ची की जो भी जिम्मेवारी आ असी सारे रल मिल के चुकांगे बेटे नूं मिले उहदे बारे थोड़ा जिहा देखो अच्छ मैं इतने डी सी ऑफिस के आया सीगा सुबह सब रजिस्ट्रार दे ऑफिस मैं गया उत्थे लोग जड़े काम कार वास्ते आए थे उन्होंने गलबात की थी। फिर मैं इतने आ सुविधा सेंटर के आया तो उत्थे बच्ची मिली मैनू गुरबख्श ये आपकी मदर वास्ते पेनशन लगवा आई सी तो मेरी मदर की पेनशन लगे नाल कोई ना कोई काम जरा मिल जाए मैं यदि मेरे को आई एप्लीकेशन दिखाई बड़ी वधिया बच्ची की राइटिंग सी इन्हें एप्लीकेशन लिखी सी सो मैं इनू नाल ही लै लिया मैं पूछा कि बच्चे कितने पढ़ते हो कहिंदी मैं माल रोड स्कूल दे विच प्लस टू दे विच इस वेले जिहड़ी आ उह पढ़ाई कर रही हाँ और मेरे फादर साहब जिहड़े आ उह एक्सपायर हो गए सीगे तो मैं अपनी मदर की पेनशन लगवाउण वास्ते तो कुछ उहदे मदर वास्ते जॉब वास्ते जिहड़ी आ उह इत्थे आई हाँ सो पढ़ाई दे विच बड़ी होशियार आ लड़की 10th दे विच भी किन्ने बच्चे नंबर ने 76% मार्क्स इहदे 10th दे विच आए ने सो मैं मिल के डी साहब नूं साडे जिला रुजगार अफसर साडे डीओ साहब सारे इत्थे सीगे सो मैं सबनों ही बेनती की आ कि आप बच्ची की जिहड़ी मदद आ उह करनी आ इन्हें मैं पूछा कि की करना है ये कहिंदी मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो लॉ करना चाहनी हाँ प्लस टू तो बाद सो असी रल मिल के सारे यदि जी मदद करांगे घर भी इन्हां कोल नहीं आ घर किराए के घर पर खुद रह रहे हो किराए के घर पर ने कली कली बच्ची है सो अज मैं कुछ एक आशीर्वाद नूं अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट के दिता और आने वाले समय के बच्ची की जो भी जिम्मेवारी आ असी सारे रल मिल के चुकांगे और ये बच्ची परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि अपने मुकाम नूं हासिल करे सो मेरे वालों बहुत बहुत शुभकामना सत श्रीकाल सारिआं नूं असीं अज इत्थे ऑफिस दे विच आए सीगे बेरोजगार ऑफिस दे विच ते इत्थे असीं ते काम लभण आए सीगे ते अचानक मंत्री जी मिले ते उन्होंने सानू कहा कि प्रॉब्लम आ ते सानू बहुत तंगी सीगी कि मम्मी लेबर वर्क करते आ ते बहुत परेशानी सी कि उन्होंने को काम भी नहीं सी हैगा तो मंत्री जी ने मैं उपर बुलाया तो मदद दी तो उन्होंने कहा कि तेरी मम्मा नू असी काम कर भी देवांगे तो जो भी साढ़े को हो सकिया पेंशन सारा कुछ असी करांगे तो तेरी पढ़ाई का भी असी सारा खर्चा चुकांगे तो मैं बहुत मैं खुश हाँ कि मेरा ड्रीम सी कि मैं अगे पढ़ा तो अगे वधा तो उन्होंने मैं कहा कि हाँ हूँ असी मतलब कि तेरा सारा कॉलेज की फीस सारा कुछ तेरा असी करांगे थैंक यू।